नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मितगर्ग शुक्ला। धनतेरस के मौके पर आज बाजार गुलजार हैं। लगभग हर दुकान पर भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक है। महिलाएं सोने चांदी की दुकानों पर गहने खरीद रही हैं। सराफा दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बर्तन की दुकानों पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ज़्यादातर लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर बर्तन खरीद कर अपने घर ला रहे हैं। मिठाइयों की दुकान पर भी आज से मिठाइयों की खरीदारी शुरू हो गई है। पटाखे और सजावट की दुकानों पर भीड़ बहुत लाजमी है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए झालर भी खरीद रहे हैं। दीपावली पर फोड़ने के लिए पटाखे भी लोग बाजार से खरीद रहे हैं। अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खासी रौनक देखने को मिल रही है बाजारों में। आप देखिए, ज्वेलरी शॉप पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस के मौके पर ये परंपरा रही है कि लोग सोने चांदी के गहने खरीद कर लाते हैं। ऐसे में आज बाजारों में बहुत स्वाभाविक तौर पर ये भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ घरों की साज सजावट के लिए भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में दीपावली के इस पर्व पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आज शुभ धनतेरस के मौके पर भी लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। तो धनतेरस के मौके पर बाजार गुलजार हैं। लगभग हर दुकान पर भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक है। महिलाएं सोने चांदी की दुकानों पर गहने खरीद रही हैं। सराफा दुकानों पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बर्तन की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। ज़्यादातर लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर बर्तन खरीद कर अपने घर लाते हैं। मिठाइयों की दुकान पर भी आज से भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। पटाखे और सजावट की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए झालर खरीद रहे हैं। दीपावली पर फोड़ने के लिए पटाखे भी खरीदे जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर साज सजावट का काम चल रहा है। हर साल दीपावली और धनतेरस के मौके पर बाजारों में ऐसी रौनक देखने को मिलती है। इस बार भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी सही बैठेंगे हो जाएगा। और अलग अलग शहरों में आज धनतेरस के मौके पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है वो बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। झांसी से अश्विनी है हमारे साथ। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हैं। उपेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। कैसी रौनक आप देख पा रहे हैं वाराणसी के बाजारों में आज धनतेरस के मौके पर? बिल्कुल, देखिए अमित, आपको भी धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। और शिव की काशी में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बरस रहा है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। और इस वक्त मैं आपको बाजार की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बर्तन का बाजार है जहाँ पर आप ये देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बर्तन खरीद रहे हैं। हमने बचपन से आज तक देखा कि चाहे एक चम्मच खरीदनी हो लेकिन वो भी धनतेरस को खरीदने का शुभ मानते हैं। और वो परंपरा इस ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में भी आज भी कायम है। और ये देखिए आज भी आपको बर्तन बिल्कुल सजे धजे मिल रहे। बर्तन खरीद रहे हैं आप? मैं बेच रही हूँ। अच्छा, आप बेच रहे हैं, कैसा है उत्साह बर्तन का? अभी तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। चाची, बर्तन खरीद ले लूं? हाँ, खरीद ली। क्या ले लूं बर्तन में? अभी कुछ नहीं लिए। अभी सोचती हुआ का कुकर लेना है। कुकर लेना है? बहुत कितने दिन से सोच ली रहे कि कुकर ले धनतेरस पे। धनतेरस में देखा एक काल बार, क्या लिया आपने? तंदूर लिया है। तो ये धनतेरस के लिए सोचे रहते हैं कि धनतेरस को लेना है? क्या सुन ले हुआ कि धनतेरस पे ले से बरकत हो? तो क्या सुन ले हुआ अपने बुजुर्गन से धनतेरस पे ले से बरकत हो? तो होता है। तो ये झाड़ू भी ले ली हुआ, तो झाड़ू भी सब लोग लेते हुए, का झाड़ू का क्या महत्व? क्या बाबू जी, झाड़ू का क्या महत्व रहा? तो झाड़ू से जो है ना घर का जो है गंदगी निकाला जाता है। लोग कहते हैं जो शैतान उतान रहता है निकल जाता। अच्छा अच्छा, तो झाड़ू भी ये बातें खरीदे तो हुआ। तो देखा ये देखा भीड़ जम के है। और भी हम दुकान दे यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी भीड़ जम के है। और सामने मिठाई भी चप्पा चप बिकत हो। तो का हो चाची, का ले लू? का ले हुआ? अरे जो पसंद आई अभी तो पसंद ही करती, पसंद करती जो वही तो। अच्छा, आपने क्या लिया है? ये थाली लिए। थाली लिया है? तो ये शगुन करना जरूरी होता है? हाँ, बहुत जरूरी होता है। अच्छा, क्या सुना है अपने बुजुर्गों से शगुन के बारे में? चाची, क्या शगुन है अभी के खरीदे जा दूँगा देखा आपको? जो भैया कैसा बाजार है ये बार? ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पर खरीदने आए हैं उनसे भी। और सामने देखिए मिठाई की दुकान भी, क्योंकि बिना मीठे के जो है सब बात अधूरी है। तो सामने गरम गरम छनत हो मिठाई भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए मिठाई भी बिकत हो भैया, चपा चप बिकत हो इसमें मिठाई? लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए। लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए ज्यादा बिकत हो? बेसन का लड्डू है, बर्तन लड्डू
लड्डू ज्यादा देखा लड्डू हो का कहा है मैं मिठाई में लड्डू है मरदा है बूंदी का लड्डू है अच्छा तो लड्डू हुआ मेरे तक भैया का खरीद ले हुआ लड्डू 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 तो क्या पूजा के बदले पूजा के लिए तो पूजा बदले लड्डू खरीदा तो हुआ इधर देखा पूरे जो है क्या क्या खरीद ले हुआ आप लोग शॉपिंग हो गए लो हाँ अभी तो मिठाई वगैरह लिए हैं अच्छा मिठाई उठाई ले लिए है बर्तन लिए लेने जा रहे बर्तन अच्छा बर्तन के लिए सुना हर कोई बर्तन जरूर लेता है क्या इसके पीछे मानता है क्या बुजुर्गों से सुन रखा है हम लोगों ने इसके पीछे कि बर्तन लेना ही होता है बताएंगे बताइए अभी बर्तन तो लक्ष्मी जी का वो होता है तो बर्तन झाड़ू ये सब तो लक्ष्मी जी का रूप है तो इसलिए लेना सही बात है सही बात है सब लक्ष्मी जी का रूप माने जाते हैं और यही कारण है कि आज धनतेरस के मौके पर लोग बाजारों से झाड़ू बर्तन ये फिर ज्वेलरी खरीद कर लाते हैं उमेश के पास चल लेते हैं उमेश मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश कैसी रौनक आप वहां पर देख पा रहे हैं और बहुत संभव हो पाए तो जो लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए आप भी उनसे बातचीत करिए जी हाँ देखिए आज धनतेरस का पवित्र त्यौहार है और हर ओर बस खुशियां ही खुशियां तैरती हुई नजर आ रही हैं बाजारों को इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि नजरें हटाने का दिल नहीं करता और इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर खरीदारी चल रही है और लोग आ रहे हैं तरह तरह की खरीदारी कर रहे हैं और बेहद खुश हैं कि आज धन्वंतरी जी का पर्व है माँ धन्वंतरी की पूजा हो रही है और गिफ्ट्स लेकर के ज्वेलरीज लेकर के तमाम अन्य आइटम्स लेकर के लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं मैडम आप क्या कहेंगे आज धनतेरस का पवित्र त्यौहार है क्या कहेंगे क्या क्या खरीदारी इस वक्त हो रही है अभी तो बंधन वाल लेने आए हैं बंधन वाल हाँ जी कितना पवित्र त्यौहार है कितनी खुशी मिलती है ज्वेलरी खरीदना बर्तन खरीदने तमाम अन्य आइटम्स खरीदने खरीदारी जमकर हो रही है हिंदुओं का सबसे पवित्र और अच्छा त्यौहार है सबसे बड़ा त्यौहार है तो घर की सफाई और सजावट का सामान ही लेने आए हैं घर की सफाई और सफाई के साथ साथ सजावट का सामान लेने के लिए आए हैं आप बंदरवाल लेने के लिए आए हुई हैं क्या कहेंगी कितना खुश हैं कि आज धनतेरस का पवित्र त्यौहार है और आज से पंच पर्व की शुरुआत हो गई है अब धनतेरस का पर्व है फिर दीपावली का पर्व है फिर छोटी दीपावली का पर्व है फिर भैया दूज का पर्व है क्या कहेंगी कितना खुश हैं आप बहुत बहुत ज्यादा घर आने को मिल रहा है छुट्टियों पे तो पढ़ाई के बाद घर आओ सबके साथ टाइम स्पेंड करो अच्छा तो लगता ही है बाजार की भी तस्वीर दिखाइए अभिषेक किस तरह से यहाँ बाजार की रौनक है और बाजार की रौनक बस देखते ही बनती है जहाँ जहाँ तक निकाह जा रही है वहाँ वहाँ तक लोगों का हुजूम यहाँ शॉपिंग करने के लिए निकल रहा है और कितनी खूबसूरती के साथ इस बाजार को सजाया गया है जरा इन तस्वीरों को देखिए तो नजरें हटाने का दिल नहीं करता बेहद ही खूबसूरती के साथ बाजार सजा हुआ है धनतेरस का पवित्र त्यौहार है बर्तन की दुकान भी दिखाइए कि किस तरह से बर्तन की दुकानों में भीड़ है बंदरवार की दुकानों में भीड़ है गिफ्ट की शॉप में भीड़ है और जहां जहां तक निगाह जा रही है हम इस वक्त बाजार में घूम रहे हैं इस वक्त हम अबुलेन के बाजार में मौजूद हैं बेगमपुर के बाजार में मौजूद हैं और इस वक्त आप देखिए अबुलेन के बाजार की रौनक हमने दर्शकों को दिखाई उमेश एक बार गोरखपुर की तस्वीर भी दर्शकों को दिखा लेते हैं रामगोपाल के पास चलते हैं रामगोपाल आप कैसी दिव्यता और भव्यता देख पा रहे हैं धनतेरस के मौके पर दीपावली को लेकर कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं बाजारों की अगर हम बात करें तो ये रौनक जो है ये सुबह से ही देखने को मिल रही है और इस वक्त मैं टाउन हॉल में खड़ा हूँ और टाउन हॉल की एक बार मैं आपको रौनक दिखाऊं कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है करीब 500 मीटर तक जो सड़क है एक सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और दोनों तरफ जो है दुकानें सजा दी गई हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से लेकर सजावट के सारे सामान तक यहाँ पे हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं खरीदारी हो गई हो रही है चल रही है अभी आधी हो गई आधी बची है तो का लिया अभी अभी मैंने मूर्ति लेनी बची है और प्रसाद ले लिया है ये कपड़े ले रहे हैं कपड़े ले खरीदारी हो गई बस स्टार्ट है जोरों शोरों से एकदम चल रही है हाँ एकदम क्या ले रही है ये लक्ष्मी जी का पैर निकाल ले निकाल ले क्या रहेगा तो बर्तन भी कुछ लिए हैं क्या नहीं अभी आप जस्ट लेने वाले हैं पहले ये सारे ये देखिए ये जो मार्केट है ये मार्केट पूरी तरीके से सजा हुआ है और आपकी निगाह जहां तक जाएगी लोग यहां पे खरीदारी करते हुए नजर आएंगे और यहां पे सजावट के सामान से लेके वो सारे सामान मौजूद हैं जो पूजा में यूज होते हैं दीपावली के मौके पे यूज होते हैं और लोग यहां पे आके खरीदारी भी ये देखिए खरीदारी कर रहे हैं इस वक्त मैं एक दुकान पे हूँ ये मूर्ति की दुकान है क्यों भाई बिक्री कैसी चल रही है बिक्री बहुत बढ़िया चल रही है अब फर्स्ट क्लास हाँ सब कस्टमर धनतेरस बहुत बढ़िया जा रहा है हम लोग का हाँ हाँ सर धनतेरस बढ़िया जा रहा है भाई एकदम झोंक के चल रहा है सर झोंक कर चल रहा है एकदम से एकदम भीड़ चापो चाप है खरीदारी हो गई होने जा रही है खरीदारी हो रही है हाँ बिल्कुल खरीदारी हो रही है हाँ हाँ हो रही है मार्केट में व्यवस्था ठीक है हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है ठीक ठाक चल रहा तो
अमित, ये जो मार्केट है ये यहाँ पे चूंकि जो प्रशासन है, प्रशासन ने इस तरीके की व्यवस्था गोरखपुर में कर रखी है और सिर्फ टाउन हॉल पे ही नहीं, ऐसी करीब 5 से 7 जगहों पे इस तरीके की व्यवस्था है कि एक तरफ सड़क को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो है वो दोनों तरफ दुकानें लगा दी गई है जिससे जो लोग हैं वो आए अपनी पार्किंग में गाड़ी। ठीक है रामगोपाल, आप बने रहे हमारे साथ, हम अश्विनी के पास भी जाएंगे, लेकिन अयोध्या से दिव्य और भव्य तस्वीरें आ रही है वो दर्शकों को दिखा देते हैं, जहाँ पर सरयू की आरती की यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है। दरअसल कल यहाँ पर महाआरती होने वाली है और उस महाआरती की आज रिहर्सल देखने को मिल रही है। दीपोत्सव के मौके पर माँ सरयू की महाआरती की जाएगी और आज उसी की तैयारियाँ यहाँ पर अंतिम दौर में, अंतिम रूप में हैं। आप देखिए पूरी अयोध्या जगमग रोशनी से नहाई हुई है क्योंकि रामलला इस बार दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। ऐसे में इस बार का दीपोत्सव बहुत खास हो जाता है। पूरे अयोध्या को कई लाख दीयों से इस बार जगमग किया जाएगा, एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले महाआरती की रिहर्सल देखने को मिल रही है, माँ सरयू की आरती की जा रही है और कल जब दीपोत्सव के मौके पर महाआरती होगी तब भी कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ से निकल कर सामने आएंगी। पूरी अयोध्या इस वक्त सज धज कर तैयार है रामलला के आगमन के लिए। त्रेता युग में प्रभु राम जब रावण का अंत कर लंका फतेह कर वापस अयोध्या आए थे, इसी प्रकार से उनका स्वागत हुआ था, उनका अभिनंदन हुआ था और एक बार फिर से पूरी अयोध्या तैयार है रामलला के स्वागत के लिए। और उसी क्रम में महाआरती की रिहर्सल आप देख पा रहे हैं। कल दीपोत्सव के मौके पर सरयू तटों पर इसी प्रकार से कई लाख दिए जलाए जाएंगे और माँ सरयू की आरती होगी जिसकी आज रिहर्सल की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज देशवासियों से अपील की कि इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है, इस बार की दीपावली बहुत खास है क्योंकि ये पहला दीपोत्सव है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान है और पूरा देश उनके आगमन के इंतज़ाम में जुटा हुआ है, उनके स्वागत अभिनंदन के इंतज़ाम में जुटा हुआ है। और वह कुछ उसी की तस्वीरें अयोध्या से भी निकल कर सामने आ रही हैं जहाँ अयोध्या के कोने कोने पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं सबके बीच माँ सरयू की आरती भी की जा रही है। और अयोध्या की तस्वीरें आपने देख ली, अब आपको झांसी लेकर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी आप बताइए और दिखाइए कैसी तस्वीरें, कैसी रौनक, कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं झांसी के बाजारों में। हाँ जी बिल्कुल, बुंदेलखंड में धनतेरस का अपना एक अलग महत्व है। झांसी की बात करें तो झांसी में धनतेरस के दिन आज के दिन काफी भीड़ बाजारों में जुटती है, उसको लेकर के यहाँ से हम खड़े हैं मानिक चौक बाजार में जो काफी पुरानी बाजार है, सर्राफा मार्केट है, बर्तन मार्केट है, इसके अलावा मिठाई बाजार भी यहीं लगती है। तो आप पहले देख लीजिए कितनी भीड़ भाड़ है इस मार्केट में और सुरक्षा व्यवस्था की भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहाँ जहाँ तक हमारे नज़र जा रही कैमरे की वहाँ पर आपको सिर्फ खरीदारों की भीड़ दिख रही है। ये वो खरीदार है जो धनतेरस का पूरे साल इंतजार करते हैं, आज ही ये सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के गहने खरीदते हैं, इसके अलावा तमाम सामान खरीदते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ बात कर दीजिए, काफ़ी घनी मार्केट है, काफ़ी घना बाजार है
हमेशा सीसीटीवी खड़े से बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है इस समय आज के दिन, क्योंकि वित्तीय लेन बहुत ज्यादा आखिर होता है। सर आज जिस तरीके से बाजार में भीड़ है और वित्तीय लेन देन की बात काफी ज्यादा सामने आ रही है, ऐसे में सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किए गए पूरी मार्केट को सेफ करने के लिए? पूरे सिटी सर्किल में जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जहां सराफा बाजार है या बर्तन बाजार है, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, वहां पर सशस्त्र पॉइंट चिन्हित करके 10 पॉइंट यहां पर आपके कोतवाली में लगाए गए हैं और 7 सीकरी में लगाए गए हैं और 3 सदर बाजार में लगाए गए हैं और 6 पॉइंट नवाबाद में लगाए गए हैं। प्रत्येक पॉइंट पर हमारी पुलिस मुस्तैद है और हम सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले से ही अलर्ट हैं और सभी जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। महंगाई की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि बाजार में भीड़ दिख रही है, क्या महंगाई कुछ फर्क दिख रहा है आपको? हाँ, हम लोगों के व्यापार में तो फर्क पड़ा है, सराफा व्यापार में। कितना लगभग? लगभग जो है 70% जो है। भीड़ कितनी है आज हम देख रहे हैं? भीड़ बहुत ज्यादा है। नहीं है सर, नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। चलिए हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं जो खरीदारी करके आए। सर आपने कुछ खरीदारी करी है क्या? जी, कैसा लगा मार्केट? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप सीईओ साहब खड़े हैं, अच्छी बात है, व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और लोगों का मन भी खुश रहना चाहिए क्योंकि खुशियों का त्यौहार है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। धनतेरस के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकले हुए हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार अच्छा कारोबार होगा। धनतेरस के पर्व पर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में भी धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनतेरस के मौके पर बाजारों में खासी रौनक है, खास तौर पर ब्रांडेड जो ज्वेलरी है उन शॉप पर। इसके अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर जगह तैयारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रांडेड एक ज्वेलरी शॉप में जो कि तनिष्क है और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तरह तरह की यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और तरह तरह के आभूषणों की रेंज भी यहाँ पर मौजूद है और लोग खरीदारी में यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्योंकि धनतेरस के मौके पर आभूषण खरीदना, बर्तन खरीदना, कोई भी नया सामान खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर ये हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जो सोने की कीमतें हैं वो 81,000 पार कर गई है, सिर्फ गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड की मेकिंग चार्ज अलग है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। धनतेरस पर राजधानी देहरादून के बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग नए बर्तन, आभूषण और सजावटी वस्तुएं खरीदने के लिए बाजारों में इकट्ठा हुए हैं। बाजारों में चमकते सोने और चांदी के आभूषण, रंग बिरंगी बर्तनों और पूजा सामग्रियों की भरपूर दुकानें देखने को मिल रही हैं। धनतेरस पर जहाँ दुकानदार विशेष छूट और ऑफर दे रहे हैं तो उससे खरीदारों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस मौके पर लोगों ने नई गाड़ियों की भी जमकर खरीदारी की है। इस साल थोड़ा महंगाई बढ़ी है, बसरते पिछले साल से इस साल में रश भी बहुत अच्छा है, महंगाई काउंट नहीं करता है, बट लोगों की उत्साह इस साल बहुत अच्छा देख रहा हूं मैं, खरीदारी करने की भी है। लोग मार्केट में बहुत सारे भीड़ हो गए हैं आजकल, अच्छा भी लग रहा है माहौल देख करके। सेल बहुत बढ़िया है, अपेक्षा से बेटर है और मुझे ये नहीं लगा कि इतनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी जितनी आज जा रही है, और ज्यादातर जो गाड़ियां जा रही हैं वो ज्यादा महंगी वाली गाड़ियां जा रही हैं, टॉप मॉडल जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे देहरादून की, जहां पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में धनतेरस को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां ग्राहक बड़ी संख्या में बर्तनों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है, इसलिए लोग सुबह से ही बर्तन बाजार में अपने पसंद के बर्तन खरीद रहे हैं। ग्राहक भी बाजार में नए जमाने के बर्तन देखकर खुश हैं। भीड़ देख के तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, सभी धनतेरस पे बर्तनों का सोना चांदी खरीदने आते हैं। हमने ये अंकल की दुकान से अभी कटोरी, थाली, ग्लास वगैरह लिए हैं, अभी कुछ और भी देखेंगे मार्केट में। हम लोग के कितने धनतेरस में यहाँ बच्चों के साथ आए हैं, भाभी के साथ, तो हम बर्तनों की शॉपिंग करने आए हैं, जैसे ये ग्लास, थालियाँ, इस टाइप का सामान लेने के लिए आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है अभी मार्केट में। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।